एक तंज यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से, उन्होंने दिल्ली के दुनिया भर में सबसे प्रदूषित राजधानी होने की बात की, और लेकिन कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा की बजाय नेताओं का ध्यान है महिलाओं के कपड़ों की तरफ। आज तक ने प्रियंका चतुर्वेदी से खास बात की। ये हम हैं, मैं सांसद, हम सांसद हैं, मैं पत्रकार हूँ, ये मेरा पहनावा है, और कभी रिप जीन्स भी होता है तो कृपया हमें जज करना बंद करें। और कभी साड़ी भी होता है, साड़ी काफ़ी समय होता है, पर रिप जीन्स भी होता है, पर इसका सर्टिफिकेट देना चुने हुए मंत्रियों को या मुख्यमंत्रियों को देना बंद करें। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, जिन्होंने ट्वीट भी किया है और पार्लियामेंट में भी उन्होंने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया। प्रियंका, काफ़ी आप मन से क्रोधित भी थीं कि बार बार, हजारों बार पहनावे पे टिप्पणी जरूर होती है। एक तो आई डिड अ वेरी बैड जॉब ऑफ व्हाट यू आस्क्ड मी टू डू, बट आई मस्ट से वन थिंग, मैसेज बहुत स्पष्ट है कि आप हर बार महिलाओं को लेकर जजमेंटल जो एटीट्यूड है कि आप बताएंगे क्या उनके संस्कार हैं, क्या संस्कार वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, क्या वो पहनावा हो सकता है उनका, वो साड़ी पहने या वो जीन्स पहने, ये इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना बंद करें, खास करके क्योंकि वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के, जहाँ पर महिलाओं पर उत्पीड़न होता है उसके बारे में चिंता करने की बजाय को जजमेंटल एटीट्यूड दिया जाता है। और जिस तरह से रिप्ड जीन्स की बात हो रही है, पूरे सोशल मीडिया पे लगातार इस पे टिप्पणी तमाम महिलाएं कर रही हैं और सभी स्ट्रीम्स की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जोड़िए तो जो मानसिकता है महिलाओं के प्रति, जो क्राइम अगेंस्ट वेमेन है, वो भी कहीं पहनावे से लोगों को जज करना और उसके बाद महिलाओं को हमेशा कसौटी पे रखता है। और देखिए, दुख इस बात का होता है कि ये सारे मंत्री जो हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इन मुद्दों पर चुप हो जाते हैं, हमने चुप्पी बांध रखते हैं। सम्मान की लड़ाई करें तो वो चुप रहते हैं, हम अपनी सुरक्षा की बात करें तो ये चुप रहते हैं, और जब आकर ये ऐसे जजमेंटल कमेंट्स मारते हैं तो कहीं ना कहीं आक्रोश बढ़ता है कि आप उनके मुद्दों को बात नहीं करें, वो दरकिनार करके उनको संस्कार का पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या संस्कार सिर्फ हम ही पढ़ा सकते हैं? संस्कृति का जिम्मेदारी पुरुषों में नहीं है, तो वो रोज आकर धोती पहना करें, हम भी कहेंगे संस्कार वो धोती पहनने से होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि रिप्ड जीन्स, जैसे मैंने बात किया प्रनीत कौर से भी, एक फैशन स्टेटमेंट है, तमाम महिलाएं पहनती हैं, हम और आप भी पहनते हैं। बिल्कुल, तो वही मैं कहती हूँ कि इस तरीके से जजमेंट करना कि एक महिला अगर रिप्ड जीन्स पहनी है वो बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं दे सकती है, वो एक अच्छी महिला नहीं है, ये जजमेंट देने की जिम्मेदारी किसने आपको दी है? और रोज़ रोज़ इस तरीके की बयानबाजी करना, मैं मानती हूँ कि इसको कॉल आउट करना ज़रूरी है, इसलिए आज मैंने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठा दिया। आप साड़ी ऐसे पहने हैं, साड़ी वैसे क्यों नहीं पहने, आप पीली साड़ी क्यों पहने, लाल क्यों नहीं पहने, आपने पिन क्यों नहीं लगाया है, आपकी प्लीट्स क्यों ठीक नहीं है, आप कहां किस हद तक जाएंगे हमें जज करने को? किस तरह के जजमेंट्स हम लोग ने सुने हैं जिंदगी भर, इस तरह के जजमेंट्स, टॉप ज्यादा टाइट है, टॉप ज्यादा टाइट नहीं है, बहुत ज्यादा ढीला है, छोटे कपड़े हैं, लंबे कपड़े हैं, टाइट कपड़े हैं, कोई कहीं तो गरिमा रखिए, एक महिला को निर्णय लेने का मौका दीजिए, वो क्या पहनकर जाती है, उनकी शरीर है, उनको क्या पहनना है, हाउ कैन यू सिट एंड जज दैट, दैट इज़ माई एंटायर प्रॉब्लम। आई विल नॉट वॉन्ट माई डॉटर, मेरी बेटी इस माहौल में पली बड़ी है कि जहाँ पे उसको टोटल फ्रीडम ऑफ चॉइस है, कि इस तरीके का जजमेंटल एटीट्यूड अगर आएगा तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का जो पूरा मैस्कुलिन नेचर है वो वापस उभर कर आता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रियंका चतुर्वेदी हमसे बात करते हुए। कैमरा पर्सन कृपाल के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। तो एक जबरदस्त बयानों को लेकर बवाल यहां पर दिखाई दे रहा है और लगातार लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसे मुख्यमंत्री एक सार्वजनिक मंच पर इस तरह का बयान दे सकते हैं और क्या ये निजता का हनन नहीं है। लेकिन इसी को लेकर आप तस्वीरें देखिए। दरअसल ये तस्वीरें तमाम क्षेत्रों में जो महिलाएं सक्रिय हैं उन्होंने पोस्ट की हैं और ये सभी रिप्ड जीन्स पहने हुए आपको दिखाई दे रही हैं, वही जीन्स, उसी तरह के स्टाइल की जीन्स जिसका जिक्र तीरथ सिंह रावत ने किया, यानी आप इन पे कट्स लगे हुए देख सकते हैं, लेकिन एक तरह का फैशन स्टेटमेंट या ये पहनावे में शामिल है। तो इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए महिलाओं का यही कहना है कि ऐसे वस्त्र पहने हुए हम भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसे संस्कारों से जोड़ देना या एक माँ अपने बच्चों के प्रति कितनी जिम्मेदार है इस बात से जोड़ देना किस हद तक जायज है, और आखिर मुख्यमंत्री चुने हुए प्रतिनिधि जनता के, वो कैसे इस तरह का जजमेंटल स्टेटमेंट महिलाओं के खिलाफ दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।